शिल्ली स्टेडियम में दो दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार देकर किया गया। तीरंदाजी का प्रथम दिन आज सुप्रमुख शह बिरसा मुंडा श्री शिल्ली के संरक्षक माननीय विधायक सुदेश कुमार महतो के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर झारखंड तीरंदाजी संघ के सह सचिव हरेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झानू हांसदा, भगवती चानू, जिला परिषद वीना देवी, गौतम साहू आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन बिरसा मुंडा आर्चरी सिल्ली एकेडमी के अध्यक्ष नेहा महतो ने प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बाद में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी खिलाड़ी को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दो दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के सिल्ली, रांची, बोकारो, साहेबगंज, सरायकेला आदि जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। हम लोग का 14 स्टेट में था कंपाउंड आर्चरी का। इस बार कोरोना की वजह से इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। जैसे कंपाउंड आर्चरी सिल्ली ले लिया, स्टेट मीट हुआ जिसमें सारे बच्चे यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो सब नेशनल में जाके खेलेंगे। अब मार्च से नेशनल सारे शुरू हो जा रहे हैं, विजयवाड़ा में, देहरादून में है, सब जगह शुरू हो रहा है। तो एक स्टेट में जो स्टेट लेवल में जो क्वालिफाई कर रहे बच्चे वो नेशनल में जाएंगे। उसी का आज मैच का आयोजन, आज कई बच्चों को सम्मानित किया गया है। सामान्य तो मतलब क्या चीज में खेले थे बच्चे लोग? कंपाउंड आर्चरी के ही आज तो अंडर 9 भी मिनी शुरू हो गया है, फिर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20 और सीनियर लेवल के सारे बच्चे, और उनका भी अलग अलग गेम्स है। जैसे आपका ओलंपिक राउंड है, फिर स्टेट सिलेक्शन है कि कौन इसमें से टॉप करे, फर्स्ट 3 जितने हैं वो सारे नेशनल में जाएंगे। वही सारे सिलेक्शन वगैरह था स्टेट से। 14वां राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आज दूसरा और अंतिम दिन चल रहा है। राज्य भर के करीबन 150 प्रतिभागी अलग अलग जिलों से भाग ले रहे हैं। सभी रिजल्ट लगभग पूरा हो चुका है और हम सब ने यह तय किया है, हमारे एसोसिएशन कोच ने संयुक्त रूप से तय किया है, मेरे खिलाड़ी प्रिपेयर हैं कि आने वाले समय जब विजयवाड़ा में नेशनल होगा हमारा झारखंड बेहतर प्रदर्शन करेगा, इसी संकल्प के साथ आज इसका समापन किया जाएगा।